चीन के तिब्बत में दमनकारी नीतियों के खिलाफ शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे निर्वासित तिब्बतियों ने बड़े स्तर पर आक्रोश रैली निकालकर चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब रहे कि 10 मार्च 1959 को ही बौद्ध धर्मगुरु तिब्बत छोड़ने पर मजबूर हुए थे। दलाई लामा ने चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए अपने देश के हजारों की संख्या में देशवासियों के साथ रात के घने अंधेरे में चीन को चकमा देकर देश छोड़ दिया था और नेपाल भूटान से होते हुए भारत में आकर शरण ली थी। 62 साल गुजरे इस दिन अपने देश को इन लोगों ने जिन हालातों में छोड़ा था, तो एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो अपने देश जिंदा जरूर जाएंगे और फिर से अपने स्वदेश की माटी में मिलकर अपना वर्चस्व कायम करते हुए तिब्बत का झंडा बुलंद करेंगे। बावजूद इसके आज उस तारीख को गुजरे पूरे 62 साल हो चुके हैं और इस बीच दलाई लामा समेत कुछ चुनिंदा लोगों को ही छोड़कर कितने ही लोग आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी वो अपने देश को ना तो चीन के कब्जे से निकाल पाए हैं और ना इन लोगों ने अपना संघर्ष चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ छोड़ा है। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं। हम सभी को मिलकर चीन को बदलना है, नहीं तो चीन हम सभी को बदल देगा, ये कहना है निर्वासित तिब्बत सरकार की राष्ट्रपति डॉक्टर लोबसांग सांगे का। उन्होंने कहा कि अब भारत को भी महसूस हो रहा है कि चीन को बदला नहीं गया तो चीन सभी को बदल देगा। चीन सभी जगह से अपनी जड़ें फैलाने में लगा हुआ है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मीडिया हो या सरकार हो। सांगे ने कहा कि हमें चीन को बदलना है, वो भी शांतिपूर्वक घुसपैठ करके। आज आज हमारा 62nd विरोध प्रदर्शन दिवस है, 62nd एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल अपराइजिंग डे। इस दिन तिब्बत में चीन का सेना ने तिब्बत कब्जा किया और लाखों लोग तिब्बती को मारवा दिया और हमारे जितने भी मोनास्ट्रीज में जो ट्रेजर्स है उसको लूट लिया। अभी भी हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स है सब लूट रहा है और 155 तिब्बतियन लोग ने सेल्फ इमोलेशन किया, उसमें से 130 उन शहीद हो चुका है। इसलिए हम याद करते हैं उन सबको जितने भी अभी प्रिजन में है, जितने भी उनको मार रहा है, याद कर रहा है कि उनके उनको मैसेज दे रहा है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, जब तक तिब्बती को फ्रीडम नहीं मिलेंगे हम आपके साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉमिस है। मिलेगा क्यों नहीं, इसलिए जानते हैं ना। इसलिए देखिए, अब करीब 1-2 महीने से पहले तिब्बत में इतना रिस्ट्रिक्शन किया हुआ, इतना सर्वेलेंस, आर्मी पेट्रोल कर रहा है स्ट्रीट्स में, क्योंकि अभी भी घबरा रहा है। 60 साल के बाद भी वो घबरा रहा है कि तिब्बत में बहुत बड़ा सा आंदोलन होंगे, इसलिए अभी भी इसलिए घबराए के कारण से उस आर्मी पुलिस सब लगा हुआ है। वो तो हम जो कहते हैं साफ साफ सुनते हैं, क्या करें, वो मानते नहीं है, सारे संसार को नहीं मान रहा है। अब तो ये भी सबको महसूस हुआ है, हम तो 60 साल से कहते रहे कि जो हम कहते हैं उनको मानो, वो कहते नहीं मान रहे, सारे संसार कह रहा है, भारत भी कह रहा है चलो तिब्बत को नहीं मानेगा, शायद हमें मानेगा। अब सारे संसार को यह महसूस हो गया कि वो सारे संसार को मानने वाला नहीं है, क्योंकि 2018 में ये कहा था मैंने। अब देखो ये तिब्बत की इश्यू जो है, हमारा सिर्फ 6 मिलियन टिबेरियंस का मामला नहीं है, ये सारे संसार का है। अब हमारे सामने ये है कि इधर यू ट्रांसफॉर्म चाइना, इधर हमें चाइना को चेंज करना है, नहीं तो चाइना हमें चेंज कर लेंगे। वो 2 साल के बाद वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका अमेरिका फॉरेन मिनिस्टर उस दिन यही कहा, इधर वी चेंज चाइना और चाइना वी चेंज। मैंने 2 साल पहले कह चुका था। अब सारे संसार को महसूस हो रहा है कि भारत को महसूस हो रहा है हमें सब मिलके चाइना को चेंज करना चाहिए, नहीं तो चाइना हमें चेंज कर लेंगे, क्योंकि चाइना सब जगह में घुस चुका है। देखिए व्यापार लोगों के बीच, मीडिया लोगों के बीच, इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच, सरकार के बीच, सब पे घुसपैठ, सिर्फ भारत के सीमा में घुसपैठ नहीं कर रहा है, अंदर कर रहा है, सारे संसार में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए हमें उस तरफ घुसपैठ करके, मतलब हमें शांति से, वैल्यूज़ के से, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़ रखे, घुसपैठ करके चाइना को ट्रांसफॉर्म करना है। तिब्बती समुदाय से पहुंचे प्रदर्शनकारी ताजी दोर्जी ने कहा कि
वो भले ही कभी अपने बुजुर्गों की जन्मस्थली और अपने देश तिब्बत की पाक पवित्र जमीन को इन आंखों से नहीं देख पाए हों, मगर वहां जाने और उसे आजाद करवाने का जुनून उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च का दिन तिब्बतियों के इतिहास का वो काला दिन था जब उन्होंने अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर शरण ली थी। आज उन्हीं काली यादों को संघर्षशील यादों के तौर पर अपनाते हुए आज भी हम लोग बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हैं। उन्होंने कहा कि आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों में भी ये आक्रोश रैली अपने अपने स्तर पर और अपने तौर तरीकों से निकाली जाती है। तिब्बत का झंडा बुलंद करते हुए उसे आजाद करने की आवाज बुलंद की जाती है। आज के दिन है एक दुखी के दिन है। आज के दिन हमारा तिब्बत में चीन ने लाखों लाखों आदमी का बेरहमी से मार दिया है। इसलिए आज के सभी खून के होली खेल दिया चीन ने। आज के दिन है तिब्बत को चीन ने कब्जा किया हुआ है। आज के दिन कोई भाग्य आया, कोई हिंदुस्तान में आया, कोई विदेश में गया। अब इसलिए हमारे जो जो तिब्बत है जो हिंदुस्तान की मेहरबानी से अभी हिंदुस्तान इतने प्यारे से शरण लेके बैठा हूँ। वैसे मैं हूँ एक फौजी हूँ, इंडियन आर्मी फौजी, एक्स आर्मी स्पेशल फाउंडेड फोर्स। इसलिए हम भारत को यही कहना चाहता हूँ कि जब तिब्बत को भारत की साथ देगा तो तिब्बत आज़ाद होना ही होना है। हम भारत को यही मांग गए हैं कि हम तिब्बत को अगर विदेश लोग की मदद करता है बहुत अच्छा है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे खास तो भारत चाहिए। जब भारत हमको साथ देगा तो तिब्बत आज़ाद होगा। और सीमा का कोई मतलब नहीं है, सीमा और तिब्बत और तिब्बत और इंडियन का सीमा है। कोई चाइना का सीमा है ही नहीं है, नामो निशानी नहीं है, तो उसका सीमा कहाँ से आ गया। ये भारत और तिब्बत की सीमा है, यही है सर। इसलिए हमको गुजारा करती है कि भारत माता की जय, तिब्बत की जय, यही बोलना है सर। आपका नाम? मेरा नाम ताशी दोर्जे।